हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का इंस्टेंट हलवा। इसके लिए हमने धुली हुई 1 कप मूंग की दाल ली है, 1 कटोरी घी, 1 कप दूध, 1 कप पानी, 1 चम्मच किशमिश, 4 बादाम, 3 हरी इलायची, 1 चम्मच पिस्ता, 1 कटोरी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले इस दाल को धुल लेंगे। दाल को हमने नॉर्मल पानी से अच्छे से धुल लिया है, उसका सारा पानी निकाल करके अलग कर दिया। छलनी में इसलिए छाना है ताकि सारा पानी इसका अलग हो जाए निकल कर। दाल का सारा पानी अलग हो गया है और घी को हम पैन में डाल देंगे। अभी आधा घी डालेंगे, आधा घी बाद में डालेंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें दाल डाल देंगे। गैस धीमी रखेंगे नहीं तो दाल नीचे लग जाएगी। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है दाल को। दाल भून चुकी है, इसे छान लेंगे। घी जो है इसका अलग कर लेंगे। दाल को छान लिया है, घी नीचे आ गया है। इस घी को हम वापिस पैन में डाल देंगे, हलवे में यूज कर लेंगे। और इसको दाल को पीस लेते हैं। दाल को हमने पीस लिया है, एकदम से फाइन पेस्ट बना लिया है पाउडर। इस दाल को हम पैन में डाल देंगे। पैन में हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। इस पाउडर को इसमें डाल देंगे। दाल में ड्राई फ्रूट डाल देंगे, किशमिश, पिस्ता, बादाम और इलायची मैंने कूट, इसको डाल देंगे। अब इसमें ये दूध डालेंगे, चीनी डाल देंगे, ये पानी भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। वो जो ये बचा हुआ घी था, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी बचेगा वो सारा डाल, इसको भी गाढ़ा होने तक पकाएंगे। छोड़ दिया है, नीचे लगेगा नहीं, 2 मिनट रखकर इसको पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको ढककर पका लिया है हलवे को। इसका कलर चेंज हो जाता है, अगर आपको लगे कि इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो फिर से 2-3 मिनट इसको पका लें। इसमें घी कम नहीं होना चाहिए, देखिए इसमें घी निकल रहा है साइडों में। हलवा हमारा बनकर के तैयार है, इसे आप बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।